हरियाणा सरकार द्वारा जो है नए राशन डिपो के लिए आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं अपने 8 अगस्त तक इसका आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2382 राशन डिपो महिलाओं को आवेदन दिए जाएंगे। इसमें जो मेन है आरक्षण जो सीट को दिया गया है वो महिलाओं को, ये देखो 33% सीट जो है महिलाओं को है, बाकी और दूसरे मतलब जैसे मेल पर्सन है उनके लिए भी है, बट इसमें जो ज़्यादातर सीट अलॉट की जाएंगी वो किया जाएगा आपको महिलाओं को। इसके अंतर्गत 300 लाभार्थी के राशन कार्ड एक उचित मूल्य की सरकारी दुकान पे होगा। जैसे कि अभी करंट के टाइम पे क्या कई डिपो पे 1500-1600 कार्ड वाले भी है जिसमें भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो इसको ख़त्म करने के लिए भी और साथ में नए डिपो बहाल करने के लिए भी ये ऑप्शन डाला गया है। इसमें देखिए स्टार्ट डेट 25 जुलाई से चालू हो गया और 8 अगस्त इसकी जो है लास्ट डेट है आपकी। पीडीएस लाइसेंस की जो फीस होगी आपकी 2000 रुपये की दिख रहा है और सिक्योरिटी अमाउंट जो जमा होगा ये 5000 रुपये जमा होगा आपका। ये देखिए डीआईपीआर हरियाणा की तरफ से नए राशन डिपो के लाइसेंस के लिए 8 अगस्त तक आवेदन मांगे गए हैं। प्रदेश एवं खाद्य नागरिक उपभोक्ता मामला हरियाणा द्वारा पीडीएस कंट्रोल 2022 के तहत नए राशन के डिपो की सप्लाई जारी किए जाने हैं। ये देखिए इच्छुक व्यक्ति अंत्योदय सरल पोर्टल पर जाकर के और अपना आवेदन कर सकता है। सरल पोर्टल जो आपका ये होगा, यहाँ पर जाकर आप अपनी आईडी पासवर्ड बनाएंगे और यहाँ पर सबमिट कर देंगे और यहाँ के बाद आगे अपना पीडीएस जो फॉर्म है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, फूड लाइसेंस के लिए सॉरी राशन डिपो के लिए। इसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए तो ये देख सकते हैं आप। जो राशन डिपो आवेदक है जिस वार्ड या गांव में होगा सिर्फ वहीं के लिए अप्लाई करेगा, ठीक है, और उसी वार्ड गांव का निवासी होना चाहिए, 12वीं पास तो होना चाहिए, उसे कंप्यूटर ज्ञान भी होना चाहिए, उम्र 21 से 45 के बीच में होनी चाहिए। इन शर्तों को जो पूरा करेगा वो फॉर्म भर पाएगा, अप्लाई कर पाएगा, ठीक है। इसके लिए कुछ एनेक्सर वगैरह है वो देखिए मैं दिखा देता हूँ। बयान हल्फिया नामा है ये है कि मैं जो है उस पते का निवासी हूँ, मेरे पास कोई भी पहले घर में एक डिपो वगैरह नहीं है और मैं सरपंच पद वगैरह से रिश्तेदार में नहीं आता हूँ, तो ये साज ये 150 वर्ग एरिया की फुट की दुकान होनी चाहिए। इसमें सारी चीज़ें दिए गए हैं आप देख सकते हैं। इसमें वल्पनामा जो है 3-4 पेजेस का है, ये 3-4 पेजेस है। किरायानामा वगैरह जो भी है ये मैं आपको अटैच कर दूंगा इसमें पीडीएफ, इससे आप निकाल लेना, ये भी साथ में साथ अटैच किए जाएंगे इसके अंदर। जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो बता सकते हैं वैकेंसी है, फरीदाबाद में 78 वैकेंसी है, ठीक है, और बाकी जगह है कोई और वैकेंसी मतलब और जगह ज़्यादा वैकेंसी है, फरीदाबाद में आपकी थोड़ी सी कम है, चरखी दादरी में, ठीक है, मतलब हर जगह की वैकेंसी भी आप देख सकते हैं। अप्लाई यहाँ से होगा और जो ये पोर्टल आया पड़ा है आपका जो सूचना आई है वो यहाँ से आई हुई है, तो अगर अप्लाई करना है आपको तो इस पोर्टल पर जाना हो, यहाँ पर आईडी पासवर्ड से लॉगिन होगा। जब इस तरीके से लॉगिन हो जाएगा आपका तो यहाँ पर अप्लाई फॉर सर्विस चले जाएंगे, व्यू ऑल सर्विस पर चले जाएंगे आप, ठीक है, और यहाँ पर पीडीएस करके सर्च कर लेंगे, यहाँ पे फूड एंड सप्लाई सर्च करेंगे, ठीक है ना। फूड एंड सप्लाई सर्च करते के साथ यहाँ पे देखिए न्यू स्पेशल न्यू फेयर प्राइस शॉप लाइसेंस, इस पर क्लिक करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे अपना फैमिली आईडी कार्ड नंबर डालेंगे, ठीक है, उसके बाद वैकेंसी लिस्ट ये आ जाएगी, उसका फैमिली कार्ड नंबर डाल करके जो भी सदस्य होगा उसका फैच कर लेंगे डाटा, उसके बाद सबमिट कर देंगे। इसके अंदर जो जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे वो आप इसके अंदर अपलोड कर देना और ये आज की लिस्ट जो है 18 तारीख को आ जाएगी, तो उसके अंदर जो आपका नाम आ जाता है लिस्ट में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी आपकी और आपको डिपो अलॉट कर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।